सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बालूशाही यानी कि माखन बड़े, जिसको कि राजस्थानी में माखन बड़े भी कहते हैं, तो वो हम आज बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बालूशाही। बालूशाही यानी माखन बड़े बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया है। मैदा मैंने लिया है 250 ग्राम। जैसे कि आप ये प्याली देख रहे हैं, ये वाली प्याली मैंने करीब 3 प्याली फुल भर के ले ली है मैदे की। तो मैंने छान के रख लिया है मैदे को। और मैंने शुगर भी लिया है 250 ग्राम। तो शुगर हम इसके अंदर इसी मात्रा में डालेंगे, इसके हम चाशनी बनाएंगे। और घी मैंने लिया है इसको तलने के लिए, और यहाँ पे मैंने घी रखा है, तो इसको हम मॉइन में डालेंगे। तो करीब ये वाली 1 प्याली भर के इसके अंदर घी का मॉइन डालेंगे हम। फुल भर के नहीं डालेंगे, थोड़ी खाली रखेंगे। तो ये मॉइन के लिए मैंने घी रखा है। और यदि आप लोग चाहें तो इसको तलने के लिए रिफाइंड ऑयल, घी ना लेके रिफाइंड ऑयल भी काम में ले सकते हैं। तो मॉइन जरूर घी का डालें, लेकिन तलने के लिए आप रिफाइंड ऑयल काम में ले सकते हैं। और मैंने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और थोड़ी सी मैंने ली है पिस्ता कतरन, और आप चाहें तो पिस्ते को भिगो के उसको भी काट के रख सकते हैं। और मैंने लिए 10-12 इलायची, इसको हम छील के इसको कूट के इसका चूरा बना लेंगे। और मैंने लिया है केसर, कलर और फ्लेवर के लिए ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं, और आगे आपकी इच्छा नहीं हो तो नहीं भी डालें। आलूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का ये यानी कि मैदे का डो बनाएंगे। तो ये मैंने मैदा लिया था, उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर हम ये जो बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम हाथ से मिला लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें मिक्स हो जाए। और यदि आप चाहें तो जब छन्नी से इसको छाने तो उसी समय बेकिंग पाउडर भी डाल के इसके साथ छान लें। बेकिंग पाउडर को मिक्स करने के बाद अब ये देखिए मैंने 1 प्याली घी लिया है, तो अब मैं इसके बीच में डाल दूंगी ये घी। और इस तरह से हम आटे को डालते हुए इसके अंदर सारा घी मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे इसके अंदर घी को। घी मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, रूम टेम्परेचर पे पानी लिया है मैंने, गर्म और ठंडा नहीं है, और नॉर्मल पानी लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह डालते हुए हम इसको मिला लेंगे, क्योंकि हमको आटे को ज्यादा गीला नहीं करना है। तो ये देखिए आप, हमको आटे को इस तरह से करना है, ज्यादा इसको मसल मसल के हमको चिकना नहीं करना है आटे को, जिस तरह से हम पूड़ी या भटूरा वगैरह बेलते हैं उस तरह से नहीं करना है। बस इसको इकट्ठा कर लेना है हमको, उतना ही पानी डालना है, जिससे कि ये मोइन भी है इसके अंदर, ये आटा पूर्ण रूप से ऐसे इकट्ठा होने लग गया। ये देखिए आप, इसका एक डो जैसा इकट्ठा होके बन गया है हमारा, ये देखिए। तो हमारा आटे का डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। मैंने गैस ऑन करके एक पैन रखा है, और इसके अंदर करीब ये वाली 1.5 प्याली मैं पानी डालूंगी, और ये जो मैंने शुगर ली है वो इसके अंदर डाल देंगे हम। इसको हिला लेंगे हम, और इसकी चाशनी बनानी है हमको करीब 1 तार की। बहुत ज्यादा 1.5 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, वो हम किसी बर्फी वगैरह में जमाने के लिए बनाते हैं तो बनाते हैं। और इसका हम एक तरह से रस यानी कि बनाना है, जिसको कि हम उसमें माखन बड़े को यानी बालूशाही को डाल के और मीठा करने के लिए तैयार करेंगे। तो हमारी चाशनी को मैं हिला रही हूँ, ताकि हमारी शुगर है जो अच्छे से गल जाएगी। चाशनी बन रही है और इसको मैं हिला रही हूँ, और करीब करीब हमारी शुगर गल चुकी है। यदि आपने 1.5 कप 2.5 कप शक्कर ली है तो आप उसके अंदर 1.5 कप पानी डाल सकते हैं चाशनी बनाने के लिए। और चाशनी को मालूम करने के लिए उंगली के अंगूठे के बीच में इस तरह से तार बनता है, तो पता पड़ जाता है 1.5 तार की है या 2 तार की है। और नहीं तो आपको यदि बर्फी के लिए जमाने के लिए चाशनी बनानी है, तो थोड़ी सी थाली में भी आप लेके उसको बहने नहीं लगे, वो जमने वाली स्थिति में आ जाए,
तो हमको लगता है कि चाशनी तैयार हो गई है। और ये जो जैसे जलेबी की है, बालूशाही की, घेवर की, इन सब की हम जो चाशनी बनाते हैं, इसको हम रस बनाते हैं जैसे मावा कचौरी की, इन सब की, तो ये एक तरह के बनाते हैं जिसको हमको जमाना नहीं होता है, खाली उसके अंदर पिलाना होता है, यानी कि उसके अंदर डुबाना होता है, तो उसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनाते हम। तो हम आज एक तरह की बनाएंगे क्योंकि हम बना रहे हैं बालूशाही। तो देखिए आप, 10 मिनट तक मैंने हिला लिया, आप थोड़ी गाढ़ी होने लग गई है और ये इस तरह से एक धार में गिरने लग जाए चम्मच से, तो समझिए हमारी चाशनी तैयार है। ये देखिए आप, इस तरह से हम चम्मच से गिराते हैं तो एक धार में गिरने लग जाती है और ज्यादा गाढ़ा हमको नहीं बनाना है इसको। तो बस अब इसके अंदर जो मैंने ये केसर पानी में घोल के रखी थी वो मैं मिला दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो, यदि ना मिलाना चाहें तो नहीं भी डाल सकते। तो मैं ये केसर डाल दी मैंने, और इलायची मैंने जो कूट के रखी थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, इसको हम ढक के एक साइड पे रख देंगे। और अब हमारे जो हमने बनाए हैं बालूशाही, जो डो बना के रखा है, तो उसकी बालूशाही बना के और उसको फ्राई कर लेते हैं। तो 10 मिनट तक हमने इसको ढक के रख दिया था, अब हम इसकी बालूशाही बना लेंगे। इस तरह से हम इसकी लोई ले लेंगे और इसको हम हल्के हाथ से इस तरह से गोल करते हुए, ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं देंगे, बस ये इस तरह से ऊबड़ खाबड़ सी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं होनी चाहिए ताकि अंदर से अच्छे से फ्राई होगी और इसके अंदर रस भी चला जाएगा। इस तरह से हम गोले बनाते हुए इसको थोड़ा सा, अगर नहीं बने तो प्रेस कर ले हल्का सा, और इस तरह से आप अंगूठे का निशान से उसको दबा ले अंगूठे से, और इस तरह से वापस से थोड़ा सा इसको शेप दे दे और एक खड्डा सा कर ले इसके बीच में, और इस तरह से बना ले हम। इसी तरह से हम सारे हमारे बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सारी बालूशाही बना ली और थोड़ी छोटी बनाई ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है और उसके अंदर आज मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। वैसे तो नॉर्मली मिठाई की कोई चीज, मीठी चीज होती है तो चाहे बालूशाही हो चाहे कुछ भी, तो हम घी में तलते हैं, लेकिन आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ आज। तो इसके अंदर हम, ताकि हमारे ऑयल की खुशबू नहीं आए, तो हम इसको आधी चम्मच में इसके अंदर घी डाल रही हूँ। ये देखिए आप, आधी चम्मच मैंने घी डाल दिया इसके अंदर ताकि घी का फ्लेवर आ जाएगा। और ये इधर मैंने दो इलायची को कूट के रखा था, उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो इसके अंदर जो इलायची और जो घी का फ्लेवर आएगा, उससे हमारे रिफाइंड ऑयल की खुशबू इसके अंदर नहीं आएगी, और जब हम इसमें हमारे बालूशाही को फ्राई करेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि हमने घी में फ्राई किया है। तो इस तरीके से आप यूज करके, और आप है ना, इसको रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं। अब एक बार हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो बिल्कुल धीमा कर लिया हमने आंच को, और अब हम एक एक करके इसमें ये डाल रहे हैं, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको सेकेंगे हम। जैसे जैसे ये सिकेगी अब फूल के ऊपर आ जाएगी, और धीमे धीमे आंच पे इसको सिकने देंगे हम। ये देखिए आप, जिस तरह से थोड़ी थोड़ी सिकती जा रही है, फूलती जा रही है और ऐसे ऊपर उठ जाएगी, और तब हम इसको अच्छे से सिक जाएगी, तब हम इसको पलटेंगे और इसको धीमी आंच पे, और धीरे धीरे सेकने का कारण है कि अंदर तक सिक जाएगी। तो अभी हमारे थोड़े थोड़े से नीचे से बालूशाही सिक गई है तो मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए आप, हल्का हल्का सा इसमें कलर आ गया ताकि दूसरी तरफ से भी सिक जाएगी, तो हम इसको पलट देते हैं। तो अब हमारी बालूशाही पक गई है, यानी कि फ्राई हो गई है। इसका हल्का सा सुनहरा, देखिए आप, कलर आ गया, ये देखिए आप। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारी बालूशाही तैयार हो गई है फ्राई होके, और इधर मैंने, आप देखिए, चाशनी ये मैंने जो रख दी थी बना के, उसको थोड़ा सा मैंने गरम किया है। ये देखिए आप, अब हमारी चाशनी गरम हो गई, अब इसके अंदर हम हमारी ये बालूशाही को डालेंगे। तो इसके अंदर हम पूरा डुबा देंगे, इसको डाल देंगे ताकि अंदर इसके रस अच्छे से चला जाए। और इस चम्मच से हम ऊपर नीचे करते हुए इसको इसके ऊपर अच्छे से पिला देंगे, इनके ऊपर डाल देंगे ताकि इसमें रस अच्छे से चला जाएगा। चाशनी
चाशनी गर्म हो गई तो मैंने गैस ऑफ करके अब ये डाल दी है और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए इसमें पड़ा रहने देंगे। इसके ऊपर भी हम अच्छे से इस रस को डाल देंगे ताकि जो इसके अंदर मिठास आ जाए वो अच्छे से आ जाएगी और फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। 5-7 मिनट तक मैंने इसको इसके अंदर पड़ा रहने दिया और अब इसके अंदर रस अच्छे से हो गया है तो अब मैं इसको, ये मीठे हो गए तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो रस से निकालने के बाद थोड़ा पिस्ता कतरन से मैंने इसको सजा दिया है और आप चाहे तो वर्क भी लगा सकते हैं और हमारी बालूशाही तैयार है। ये मिठाई राजस्थान में विशेष रूप से प्रसिद्ध है और बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ज्यादा दिन तक रखने पे भी ये खराब नहीं होते हैं। तो जो मैंने बताया वो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गड़ी।